الحمد لله जी तवाफ हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं जा रहा हूँ उम्रे के लिए, एहराम मैंने पहना हुआ है और अभी मैं टैक्सी लेता हूँ और शर्किया जाते हैं। शर्किया से फिर आगे टैक्सी में बाप मक्का। मक्का में मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्रा करने का मज़ा आएगा। सारी जर्नी आपसे भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आए चलते हैं। मौसम माशाल्लाह जद्दा का भी बहुत अच्छा हुआ है, क्लाउडी है, हवा चल रही है, बट यहाँ बारिश नहीं हुई है जबकि मक्का में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। टैक्सी अलहमदिल्ला मिल चुकी है, अभी यहाँ से जा रहे हैं बाप मक्का और टैक्सी मिली है 10 रियाल में। यहाँ से लेके बाप मक्का ईज़िली मिल जाती है आपको। अभी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मक्का का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। बाप मक्का अलहमदिल्ला पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से टैक्सी लेनी है मक्का के लिए और ये टैक्सी वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बाप मक्का से अलहमदिल्ला टैक्सी मुझे मिल चुकी है और अभी मक्का का सफ़र जो है वो शुरू है। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी पहले किलो अशरफ, क्योंकि गाड़ी में फ़िलहाल और कोई भी नहीं है। यहाँ जी अभी हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और ये यहाँ पे पेट्रोल डल रहा है और माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र हो गया है और अभी मक्का के बिल्कुल करीब है इंशाल्लाह मक्का पहुँच के। मुझे लगता है मक्का में बहुत तेज़ बारिश है और मेरे पुराने दौर में जी हम वापस आ चुके हैं। ये जी माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा में बारिश हो रही है और मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने मक्का में अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही बारिश देखी है। बारिश यहाँ पर काफ़ी होती है बट मेरा बारिश के दौरान आना जाना नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का हरम पहुंच चुका हूँ, अभी यहाँ से वजू करूँगा, वाशरूम से फ्री होकर वजू करना है और फिर इंशाल्लाह उनका स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के फजल से। ये जी अंडरग्राउंड वाशरूम यहाँ पे, तो अभी यहाँ से वाशरूम से फ्री होकर फिर उम्रे के दायके के लिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया बारिश देख के, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तबारकअल्लाह। मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली थी और अभी ईशा के अज़ान का टाइम हो रहा है। रश काफ़ी ज़्यादा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। काबे की तरफ देख के आप पहली नज़र में जितना हो सकता है जो हो सकता है खैर व भलाई की दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। यह है जी वो मंज़र जो खुश नसीबों को नसीब होता है और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का इंतज़ार था वो बरस रही है रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। حي على الفلاح طواف हो चुका है। काफ़ी टाइम लगाया मैंने, 10:30 हो गए हैं क्योंकि बीच में बारिश भी हो रही थी तो मैं खुद आराम आराम से कर रहा था और आज रश भी बहुत ज़्यादा है। सफ़ा मरवा के सही और उसके बाद फिर चलते हैं वापस जद्दा की तरफ इंशाल्लाह। माशाल्लाह मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है, खूबसूरत लग रहा है और अगर आप देखें ये काबा बैतुल्ला के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक डार्क नज़र आ रहा है आपको, ये गीला हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी सफ़ा मरवा, अभी यहाँ पे दुआ करनी है और उसके बाद चक्कर स्टार्ट करना है। इसे कहते हैं जी सफ़ा, सफ़ा की पहाड़ी है ये। सफ़ा मरवा एक आयत है। Thank you.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ ادا کر لیا ہے. پہلے طواف اس کے بعد صفا مروہ الحمدللہ ہو چکا ہے, اور ابھی میں صفا مروہ سے باہر نکل چکا ہوں. میں نفل بھی ادا کر لیے ہیں, اور الحمدللہ بہت پیارا موسم ہے, بارش ہو رہی ہے, بہت خوشگوار موسم ہے, اور اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بہترین موقع عطا فرمایا, اتنا بہترین موسم عطا فرمایا. اور دعائے اللہ پاک آپ سب کی بھی زیارت اس طرح کے موسم میں اللہ پاک قبول فرمائے, اور اللہ پاک میرا عمرہ کم کرنا بھی, اور میں نے جو جو دعائیں کی ہیں اللہ پاک سب قبول فرمائے. آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد میرا ہمیشہ یہ ہے کہ میں اس جگہ پہ آتا ہوں, اور ماشاءاللہ یہاں سے آپ نظارہ دیکھیں سامنے کا, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, اور حرم کا صحن جو ہے وہ دیکھیں آپ, گیلا ہے, بہت اچھا موسم ہے, ہوا چل رہی ہے, اور میں یہاں پہ ہوا بھی انجوائے کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے. آج میرا حرم سے باہر نکلنے کو بالکل بھی دل نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ موسم اتنا پیارا ہے, تو میرا آج بالکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں, اور اس ٹائم 1:30 بج چکے ہیں رات کے, دل نہیں کر رہا جانے کو, بٹ تھکان بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی جانا ہے, اور صبح فرائیڈے بھی ہے, نماز کی تیاری بھی کرنی ہے. دل تو یہی تھا کہ نماز یہی پیدا کروں, بٹ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, اور موبائل کی چارجنگ بھی لو ہو چکی ہے, تو ابھی جدہ کا واپسی کا سفر ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. ٹیکسی مل چکی ہے الحمد للہ جدہ کے لیے 15 ریال, ابھی واپس کا سفر ہے میرا. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں, اور دعاؤں میں خاص خصوصی طور پہ یاد رکھیں. چلتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ رب العالمین.